मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ, सब्जेक्ट इज कंप्यूटर, चैप्टर सिक्स, पार्ट थ्री। ठीक है, ये देखेंगे हम यहाँ पर फॉर्मेटिंग दी टेक्स्ट। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे, इसके पहले हमने कट कॉपी पेस्ट पढ़ा है इस चैप्टर में। अब हम देखेंगे फॉर्मेटिंग दी टेक्स्ट, टेक्स्ट को किस तरीके से हम फॉर्मेट उसका चेंज करते हैं। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अलाउज यू टू यूज फॉन्ट्स विद डिफरेंट साइज। यू कैन चेंज अपीयरेंस ऑफ योर टेक्स्ट बाई चेंजिंग फॉन्ट एंड देयर साइज। ठीक है, जो आपका फॉन्ट में आप लिख रहे होते हैं एमएस वर्ड में, ठीक है, आप उसके साइज को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, छोटा बड़ा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर साइज का नंबर रहता है दिया हुआ ऊपर की ओर, अगर आप देखेंगे बुक में। ठीक है, तो वहाँ पर फॉन्ट का साइज रहता है दिया हुआ 11-12 पे ही हमेशा स्टोर होता है, जहाँ से आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ साथ उसका क्या है स्टाइल, ठीक है, लिखने का फॉन्ट को आप चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पे फॉन्ट आपको दिख रहा है ना, देखिए यहाँ पर फॉन्ट आपको अलग अलग तरीके का दिख रहा है, जिसको कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद क्या है चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, देखेंगे पेज नंबर 43 में। ठीक है, जो आपका टैब एक खुला हुआ आपको दिख रहा है, इसमें ऊपर की तरफ देखेंगे फॉन्ट बटन है, ठीक है, और फॉन्ट साइज है ना, जहाँ से आप फॉन्ट का अपीयरेंस चेंज कर सकते हैं, साइज चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखेंगे सेलेक्ट द टेक्स्ट दैट यू वांट टू चेंज टू अ डिफरेंट फॉन्ट एंड क्लिक होम टैब। ठीक है, होम टैब कहाँ है आप देख पा रहे होंगे, नीचे वाले में देखिए एमएस वर्ड जहाँ पे उसका पेज खुला है, होम में देख पा रहे होंगे, वहाँ पे आपको अलग अलग फॉन्ट का स्टाइल और टाइप दिखाई दे रहा है। ठीक है, जहाँ पर अलग अलग तरीके से एक ही वर्ड को लिखा हुआ है ना, तो यहाँ से आप चेंज करेंगे, जैसे ही आप जहाँ पर भी कर्सर ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे जैसे कि, तो आपका इतना फॉन्ट जो कि आपने सेलेक्ट करा है पैराग्राफ, उसी फॉन्ट में आपको शो होगा। ठीक है, समझ में आ रहा सबको। उसके बाद देखेंगे कि अनडू एंड रीडू ऑप्शंस। ठीक है, एक्सरसाइज में है आपका बच्चों, फिल इन दी ब्लैंक्स मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, सी और बी दोनों मैंने करा दिया है, फिर से लिख लेंगे अगर जिन लोगों ने नहीं करा है तो। ठीक है, फिल इन दी ब्लैंक्स बी में है, बी पार्ट में आपका फर्स्ट में देखेंगे, फर्स्ट में टू सेलेक्ट अ वर्ड डबल क्लिक द माउस बटन एनी वेयर इन दी वर्ड। ठीक है, डबल क्लिक लिखेंगे फर्स्ट में, डबल नंबर सेकेंड में लिखेंगे क्लिकिंग थ्राइस सेलेक्ट अ पैराग्राफ। ठीक है, तीन बार क्लिक करेंगे हम एक साथ ही, तो आपका पूरा पैराग्राफ सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नंबर थर्ड में प्रेस एल्ट की टू होल्ड इट। ठीक है, ALT लिखेंगे, थर्ड में ALT लिखेंगे, हो गया। उसके बाद फोर में लिखेंगे टू अनडू दी ऑपरेशन यूज कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, फाइव में लिखेंगे Ctrl+C टू कॉपी। ठीक है, कॉपी करने के लिए हम क्या करते हैं, शॉर्ट की क्या है Ctrl+C। वन में हो गया डबल, सेकंड में हो गया अ पैराग्राफ। ठीक है, नंबर सेकंड में अ पैराग्राफ। ठीक है, तीन बार क्लिक करते हैं तो पैराग्राफ सेलेक्ट होता है, हो गया। थर्ड में Alt लिख लिया, Alt, हाँ Alt की को हम होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, नंबर फोर में Ctrl+Z, फाइव में Ctrl+C लिख लिया सबने। उसके बाद T और F लिखेंगे, फर्स्ट वाले में सेव एंड सेव एज हैव द सेम मीनिंग, ये फॉल्स है। ठीक है, F लिखेंगे इसमें। नंबर सेकंड में द टेक्स्ट कैन आल्सो बी आउटलाइंड इन MS वर्ड, ये ट्रू है। नंबर थ्री में लिखेंगे फॉल्स, शिफ्ट राइट एरो कीज व्हेन प्रेस टुगेदर द लाइन गेट्स सेलेक्टेड टूवर्ड्स लेफ्ट, ये आपका फॉल्स है। नंबर फोर में Ctrl+Z होता है रीडू एक्शन, ये भी आपका फॉल्स है। ठीक है, रीडू ऑप्शन के लिए क्या है Ctrl+Y होता है। ठीक है, फिर फाइव में देखेंगे Ctrl+U मेक द लेटर बोल्ड, ये ट्रू है। ठीक है, नंबर सिक्स आपका द साइज ऑफ द टेक्स्ट वंस रिटन कैन बी चेंज्ड, ठीक है, ये भी आपका ट्रू है। ठीक है, हो गया।